जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एमबीए कोर्स के बारे में। एमबीए को लेकर आपके जितने भी डाउट, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सब का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। एक एक पॉइंट में आपको डीपली क्लियर करने वाला हूं, जैसे कि आपका एमबीए क्या होता है, इसको करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन से हमें एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, कौन से बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी है जहां से हमें एमबीए करना चाहिए, इनको करने के लिए फीस कितनी लगती है, इससे आगे हम बात करेंगे सैलरी पैकेज क्या रहता है, इसके बाद में हम बात करें कौन सी ब्रांच से हमें एमबीए करना चाहिए, हमारे लिए कौन सी ब्रांच बेस्ट रहेगी, और लास्ट में हम बात करेंगे कि किसको एमबीए करना चाहिए और किसको एमबीए नहीं करना चाहिए, यानी कि किसके लिए बेस्ट है और किसके लिए एमबीए बेस्ट नहीं है। हर कोर्स के एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो पूरी डिटेल में जानेंगे एमबीए के बारे में। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन एक एक पॉइंट आपको डीपली क्लियर होगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज एमबीए, एमबीए क्या है। तो साथियों, यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपका एमबीए क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, यानी कि हाई वैल्यूएबल आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है। इसको करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। एमबीए की एक अपनी वैल्यू होती है। एमबीए आप दो मोड में कर सकते हैं, रेगुलर भी कर सकते हैं और डिस्टेंस में भी कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रेगुलर की। तो इससे आगे बात करते हैं कि एमबीए करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, योग्यता क्या चाहिए होगी। तो साथियों, एमबीए के लिए आपने किसी भी सब्जेक्ट से या किसी भी हमारे स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ हो, एमबीए के लिए आपने चाहे बीए किया हुआ हो, बीएससी किया हुआ हो, बीकॉम किया हुआ हो, बीटेक, बीबीए, बीसीए, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से आपने की हुई हो, आप ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। वो आपकी जो यूनिवर्सिटी, जो जिससे भी आपने ग्रेजुएशन किया है, वो आपका यूजीसी अप्रूव्ड होनी चाहिए, और आपने अपना ग्रेजुएशन रेगुलर में किया है, प्राइवेट में किया है, डिस्टेंस में किया है, वो मैटर नहीं करता। उसके बाद में यदि आपने ग्रेजुएशन किसी भी मोड में किया है, अपना रेगुलर कर सकते हैं। इससे आगे बात करें, एक जो क्राइटेरिया दूसरा इसमें और एड ऑन है कि ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होना अनिवार्य है, यानी कि एक तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए और ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होना अनिवार्य है, तभी आप एमबीए कर सकते हैं। बहुत कम, यानी कि 1% यूनिवर्सिटी या कॉलेज ऐसे हैं जहां पर एज का क्राइटेरिया जिन्होंने अपना बनाया हुआ है, वैसे कोई क्राइटेरिया है नहीं, कुछ एक क्राइटेरिया बनाया हुआ कि आपकी एज 21 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन 99% जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटी हैं, वहां पर कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है, किसी भी एज का व्यक्ति एमबीए कर सकता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। इससे आगे हम बात करेंगे कि एंट्रेंस एग्जाम और एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। तो साथ ही यदि आपको एमबीए में एडमिशन लेना है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, कोई भी हम कोर्स करें वो एक अच्छे यूनिवर्सिटी या कॉलेज से करें, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होते हैं। अब यहाँ पर यदि हम एमबीए की बात करें, तो आपके 3 लेवल के एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और यूनिवर्सिटी। तो नेशनल लेवल यानी कि जो पूरे भारतवर्ष के लिए कराए जाते हैं, स्टेट लेवल जो यानी कि अपने स्टेट के लिए कराया जाता है, और यदि हम यूनिवर्सिटी की बात करें, तो कुछ एक यूनिवर्सिटी है जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अपना एंट्रेंस एग्जाम रखा हुआ है कि हम अपना एंट्रेंस लेंगे, उसके भी पे हम एडमिशन लेने वाले हैं। तो साथ ही यदि हम नेशनल लेवल की बात करें, तो इसमें सबसे पॉपुलर जो है वो क्या है, आपका कैट का एग्जाम, यानी कि हर साल कंडक्ट होता है कैट का एग्जाम। इसको करने के बाद में जो इसमें आपके एम्स यानी कि आईएम जो कॉलेजेस हैं, यानी कि 20 कॉलेज वो हैं, और लगभग आपके मैनेजमेंट के 1000 से ज्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो सबसे पहला आपका यही एग्जाम है नेशनल लेवल के लिए। इससे आगे इस बार एक और एग्जाम रखा गया है जो इसी बार से शुरू हुआ है, सीयूईटी पीजी, यानी कि पीजी अलग है, सीयूईटी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और किसमें, पीजी में, यानी कि पूरे इंडिया के लिए रखा गया है। जो नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है उसमें आप यदि एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो पीजी में आपका एडमिशन हो जाएगा मेरिट बेस। तो ये आपके एंट्रेंस एग्जाम है जो आपको देने हैं, ये स्टेट लेवल के हैं, और ये आपका इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी के लिए है, और भी बहुत सारे हैं, मैंने 4 एग्जाम्पल आपको लिखे हुए हैं। जैसे हम बात करें यूनिवर्सिटी के लिए, एसआरएम यूनिवर्सिटी है, एमआईटी यूनिवर्सिटी है, इस टाइप की आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है। इससे आगे बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस की। तो साथियों, एडमिशन प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा, एंट्रेंस के बाद में यदि आपकी अच्छी रैंक आती है तो आपको कॉलेज रैंक वाइज आपको कॉलेज मिल जाते हैं। यदि ये कॉलेज आपको नहीं मिल पाते हैं तो फिर आप अपना जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनकी तरफ जा सकते हैं, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है तो वहां पर जा सकते हैं। इसके बाद में आपका स्टेट वाइज भी होते हैं, जैसे हम बात करें उत्तर प्रदेश में एकेटी यूनिवर्सिटी है, उसके काफी सारे बेस्ट कॉलेज है, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं, एकेटी के वहां की फीस भी कम है और कॉलेज
कॉलेज भी काफी अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। तो पहले तो प्रेफरेंस आपको यही देनी है, आप कैट के थ्रू आप एमबीए करिए। यदि आप वहां पर नहीं दे पाए या एग्जाम नहीं दे पाए हैं, आप जो फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो आप एकेडमी के जो कॉलेज हैं उनकी तरफ आप जा सकते हैं। एकेडमी में आपका डायरेक्ट आपका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद में मेरिट के बेस पे आपका एडमिशन हो जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे के बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी कौन से हैं। तो साथ ही यदि हम बेस्ट कॉलेज की बात करें, जो आपकी रैंकिंग आई है इस बार 2022 की, तो उसमें यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो कॉलेज आए हैं वो आपके आईआईएमसी आए हैं, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के ही कॉलेज आए हैं। अहमदाबाद का हो गया आपका, कलकत्ता का हो गया, बेंगलोर का हो गया, लखनऊ का हो गया, तो यही आपके इंदौर का हो गया, सब कॉलेज यही है। तो आपकी सबसे पहले प्रेफरेंस यही होनी चाहिए। इससे हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट कि इसको करने के लिए फीस कितनी लगती है। तो साथ ही यदि हम एमबीए की फीस की बात करें तो फीस मैटर करती है आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर कि आप किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहे हैं। तो साथ ही यदि हम बात करें, जैसे आप कैट के थ्रू जाते हैं और अच्छे कॉलेज में जाते हैं, तो वहां पर आपका जो पूरा कंप्लीट पैकेज रहता है, 2 साल की जो फीस रहती है, लगभग आपका 22 से 24 लाख के आसपास आपकी एवरेज फीस रहती है। यानी कि आपका मान के चलिएगा 22 लाख से 24 लाख की फीस रहेगी दोनों साल की कंप्लीट फीस। यदि हम बात करें और अपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, यानी कि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, तो वहां पर जो इनकी फीस है लगभग 3 लाख 4 लाख रुपए पर ईयर की फीस रहती है। अब यदि हम बात करें एकेडमी के कॉलेजेस की, तो वहां पर जो आपकी फीस रहती है वो 1 लाख से लेकर और 2 लाख तक की फीस रहती है पर ईयर की अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी की। उससे नीचे की जो कॉलेज है, जो 1 लाख से नीचे के कॉलेज है जो एमबीए करा रहे हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा वहां से एमबीए बिल्कुल मत करना, क्योंकि फिर एमबीए करने का आपको कोई फायदा है नहीं। एमबीए फिर आपका नाम का ही डिग्री रह जाएगा, क्योंकि उनका ना तो जॉब प्लेसमेंट है ना उनका अकेडमिक सही है, तो किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं है। डिग्री का आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये आपका एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही कोर्स है। तो साथियों ये आपको बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको देखना कि उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि एमबीए अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ही करें। यदि आप किसी थर्ड क्लास से कर लेते हैं तो आपका एमबीए करने का कोई बेनिफिट नहीं रह जाएगा। तो साथियों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको यदि वीडियो पसंद आ रही है। अब इससे आगे बात करेंगे सैलरी पैकेज कितना रहता है। तो साथियों जैसा मैंने अभी आपको बताया, यदि आप कैट के थ्रू जाते हैं और कैट के थ्रू एमबीए करते हैं, तो वहां पर आपका सैलरी पैकेज, यदि हम हाईएस्ट सैलरी पैकेज की बात करें डोमेस्टिक यानी कि इंडिया के लिए हम बात करें, तो आपका मान के चलिएगा लगभग जो एवरेज सैलरी पैकेज यानी कि हाईएस्ट सैलरी पैकेज है लगभग 55 लाख के आसपास आपका सैलरी पैकेज रहता है। यदि हम बात करें मीडियम की, तो मीडियम आपका 25 लाख और यदि एवरेज की बात करें तो एवरेज आपका लगभग 26 लाख पैकेज रहता है। अब यदि हम बात करें इंटरनेशनल की, यदि आपने अच्छे कॉलेज कैट के थ्रू अच्छे आपको कॉलेज मिल गया है, वहां से अपना एमबीए कंप्लीट किया है और उसके बाद में आपका प्लेसमेंट हो गया किसके लिए, इंटरनेशनल के लिए, तो वहां पर आपका जो हाईएस्ट पैकेज रहता है वो लगभग मान के चलिएगा 1.32 सीआर के आसपास आपका पैकेज रहता है। यानी कि आप एमबीए यदि किसी अच्छे कॉलेज से कर लेते तो आपकी लाइफ बन जाती है, बहुत ही अच्छा कोर्स है एमबीए। इससे आगे हम बात करें साथियों बेस्ट ब्रांच कौन सी है, लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों यदि हम एमबीए की बेस्ट ब्रांच की बात करें, तो बेस्ट ब्रांच डिपेंड करता है आपके ऊपर। सारी ब्रांच अपने आप में बेस्ट है, लेकिन आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है वो मैटर करता है। तो एमबीए आपका फाइनेंस में, मार्केटिंग में, एचआर में, आईबी में, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस आज की डेट में बहुत ज्यादा चल रही है, इससे आप कर सकते हैं, आईटी से कर सकते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसमें आप एमबीए कर सकते हैं। तो एमबीए आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड में आप कीजिए। मेरे अकॉर्डिंग जो एमबीए अगर हम बात करें तो फाइनेंस और मार्केटिंग और एचआर ये अपने आप में बेस्ट है, और आईबी भी अपने आप में बेस्ट ब्रांच है। इससे आगे बात करें कुछ ब्रांचेस और भी हैं, ये ब्रांचेस हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये वो ब्रांचेस हैं जिसमें इंडिविजुअल व्यक्ति या तो काम कर रहे होते हैं, या बहुत कम यूनिवर्सिटीज में ये ब्रांचेस भी आपको, बहुत कम यूनिवर्सिटी में आपको ये ब्रांचेस मिलेंगी। तो इन ब्रांचेस में भी आप कर सकते हैं, यदि इनमें आप वर्किंग है या आप इनमें वर्क कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो बहुत सारी ये ब्रांचेस हैं, इसमें भी आप एमबीए कर सकते हैं। इससे आगे नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि एमबीए किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए।
साथियों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि यदि आपको किसी भी कोर्स के बारे में जानना है और डीपली काउंसलिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से, वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे जो करियर काउंसलर है आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे, पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। अब इससे हम आगे बात करते हैं कि एमबीए किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो साथियों यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपकी इंग्लिश थोड़ी सही है, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको बोलना अच्छा लगता है, आपको एज अ टीम लीडर वर्क करना अच्छा लगता है तो आप एमबीए कीजिए। यदि आपकी ये सब सारी चीजों कहीं ना कहीं वीक हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा फिर एमबीए की तरफ आप मत जाइए, फिर अपना कोई और दूसरा कोर्स करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं, जो भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है फिर आप उसमें अपना वो आगे काम करिए। यदि आपकी ये सब सारी चीजें नहीं है, क्योंकि एमबीए करने के बाद में आपको प्राइवेट सेक्टर में ही जाना है और आपको जो प्रोफेशनल यानी कि एक तरीके से जो आपका आईटी है या आपका हम बात करें प्रोफेशनल में आपको रहना है तो वहां पर ये चीज मस्ट हो जाती है। आपको ये चीजों में स्ट्रांग रहना ही पड़ेगा, यानी कि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर एक लीडरशिप आपके अंदर होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी हो जाती है। तो साथियों एमबीए के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती है और मैंने जो आपको ये बताया है कि आपको एमबीए अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ही करना है, वो बहुत जरूरी मैटर करता है। तो साथियों आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप वैसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।